नमस्कार दोस्तों, आज मैं बिल्कुल नए तरीके से आपको परवल की सब्जी बताऊंगी। उसके लिए हम लोग गैस ऑन कर लेंगे। मैंने एक बड़ा चम्मच सरसों का तेल डाला है, 2 तेज़पत्ता आप इसमें डाल दीजिए, थोड़ा सा जीरा डाल देंगे हम लोग इसमें। और ये बहुत ही यूनिक सी सब्जी है दही के साथ परवल की। अब मैंने इधर परवल को अच्छे से काट करके धुल लिया है, वो हम लोग इसमें डालेंगे। पहले हम लोग परवल को अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे, जब तक हल्के थोड़े से गोल्डन ना हो जाएं, तो इसको हम लोग ढक देंगे। जो दही है, मैंने आधी कटोरी दही लिया है, इसको हम लोग अच्छे तरीके से फेंट लेंगे और इसको हम लोग साइड कर देंगे। परवल हमारे जब अच्छे तरीके से भुन जाएंगे तो हम लोग इसमें आलू भी डाल देंगे। मैंने देखिए यहाँ पे एक मीडियम साइज़ का आलू लिया है, इसको हम लोग कट करके इस परवल के साथ साथ ही बहुत अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। इधर मैंने 50 ग्राम परवल लिया है और हम लोग अभी इसको बाहर निकालेंगे। देखिए हमारे परवल अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए आलू के साथ। अब जो कुकर में तेल बचा हुआ है उसी में मैंने 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर लिया है। इधर मैंने अनियन को पेस्ट कर लिया है, तो मीडियम साइज़ का अनियन हम लोग उसको अच्छी तरीके से भून लेंगे। फिर हम लोग इसमें टमाटो प्यूरी अगर आपके पास हो या आप घर पे भी बना सकते हैं, 2 चम्मच इसमें डाल देंगे और इसको भी अच्छे तरीके से हम लोग भून लेंगे। जब ये अच्छे तरीके से भुन जाए तो थोड़ा सा इसमें 1 टेबल स्पून नमक, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा सब्जी मसाला डालेंगे और इसको हम लोग अच्छे से मिक्स कर देंगे। जब मसाला जो है वो अच्छे तरीके से भुन जाए तब हम लोग इसमें दही को डाल देंगे। ये देखिए इंग्रेडिएंट्स आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, जितना आपका परवल हो उस हिसाब से। 50 ग्राम परवल में 1/2 बाउल दही मैंने डाला है। हम लोग इसको, बहुत ही अच्छी सी ट्रिक है, जल्दी से ये देखिए सीटी हटा देंगे तो ये तुरंत ही, क्योंकि सीटी लगाने से पूरा इधर उधर फैल जाएगा, ये सीटी हटा के आप करेंगे तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से देखिए पक जाता है दही के साथ मसाला पूरा अच्छे से। जब ये अच्छे से पक जाए आप देख सकते हैं इसमें बबल आ गए हैं। और अब तब हम लोग इसमें जो हमारी सब्जी है फ्राई की हुई उसको ऐड कर देंगे इसमें। और बहुत ही यूनिक तरीके की ये सब्जी है, ये मेरी ननद जी की रेसिपी है, मेरी ननद बनाती हैं इसको, बहुत ही अच्छी और टेस्टी ये बनती है, मैंने उन्हीं से ये रेसिपी सीखी है, थैंक्स फॉर हर। और अब देखिए इसको मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है, जो हमने थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे बस। ये देखिए जब हम लोग इसको इसमें पानी ऐड कर देंगे तो इसको हम लोग मिक्स कर देंगे। एक अच्छा सा मिक्स देने के बाद इसमें 2 वेसल लगा देंगे हम लोग, बस वेसल लगा दीजिए। और देखिए बस 2 वेसल में अच्छे से हो जाएगा। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है? अगर अच्छी लगती हो तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अच्छी अच्छी यूनिक रेसिपीज़ के लिए।